हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एंटी एजिंग फेस सीरम बनाना बताऊंगी। एकदम नेचुरल डीआईवाई है गाइस, ये हम इसमें कोई भी बाहर के प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएगा कि आपको कितना बेटर रिजल्ट मिला है अपने मुहासों से। ओके, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइस, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं एंटी एजिंग फेस सीरम। गाइस, फेस सीरम को बनाने के लिए आपको 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल चाहिए। घर का ही आप एलोवेरा जेल लीजिए, मार्केट का आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे केमिकल्स मिले हुए आते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम डीआईवाई बना रहे हैं। तो हमें घर का ही एलोवेरा जेल यहाँ पर लेना है। गाइस, एलोवेरा जेल के बाद हमें यहाँ पे विटामिन ई की 3 कैप्सूल चाहिए, रोज़ वाटर चाहिए, रोज़ वाटर आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए, और यहाँ पे हमें 5 बूंदें चाहिए है एसेंशियल ऑयल की। साथ ही हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों से हमें यहाँ पे सीरम बनाना है। तो एक बार और मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ, हमें 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल चाहिए, विटामिन ई की 3 कैप्सूल चाहिए, 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर चाहिए, और इसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें, 5 बूंदें हमें यहाँ पे चाहिए होगी, और ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे ग्लिसरीन ले लेने हैं गाइस। तो गाइस, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेबल स्पून लेना है, 1 चम्मच लेना है आपको, उसमें 1 बाउल ले लेना है आपको साथ में इसके, और 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है। सबसे पहले एलोवेरा जेल लेकर के आपने बाउल में डाल लीजिए, फिर आपको यहाँ पे जितनी मैंने आपको विटामिन ई की कैप्सूल बताई है आप उसे डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको 3 विटामिन ई की कैप्सूल बताई है, आप सेफ्टी पिन से थोड़ा सा उसमें होल कर लीजिए, और फिर जितना भी उसमें लिक्विड होता है अंदर कैप्सूल के, वो लिक्विड को आपको एलोवेरा जेल के साथ बाउल में डाल लेना है। गाइस, 3 कैप्सूल ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे गुलाब जल डालना है। गुलाब जल तो आप ज़रूर से डालिए, क्योंकि गुलाब जल हमारी टोनिंग का काम करता है, और सीरम में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपको बाहर मार्केट में जो सीरम मिल रहे हैं उनमें भी गुलाब जल अवेलेबल होता है। अभी गाइस, आपको अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स कर लेना है। फिर मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन जैसे मैंने आपको बताया था, 1 टेबल स्पून, अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो आप यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, मतलब कि 1.5 चम्मच आप ग्लिसरीन ऐड कर सकती हैं। गाइस, आप और भी ग्लिसरीन बढ़ा सकते हो, जैसे हमारा जो सीरम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है सीरम, है ना, तो थोड़ा सा तो हार्ड होता ही है। तो अगर आपका नहीं हो पा रहा हो तो आप उसमें ग्लिसरीन की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए, लेकिन आपको ज़्यादा ग्लिसरीन नहीं मिलाना है। 1.5 टेबल स्पून से आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है गाइस। अब गाइस, आखिरी में हम यहाँ पे 5 बूंदें मिक्स करेंगे एसेंशियल ऑयल की। इन्हें गाइस अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई भी अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखना चाहिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो ये लीजिए, हमारा एंटी एजिंग सीरम तैयार है। गाइस, इसी तरह से आप एक कंटेनर में, जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। हमें थोड़ा सा एयर टाइट कंटेनर यहाँ पे लगेगा, और हमें थोड़ा सा ही सीरम बनाना है, ज़्यादा सीरम नहीं बनाना है। थोड़ी दिनों तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है। अगर आपको बहुत टाइम तक इसे स्टोर करके रखना है तो फिर आप इसमें प्रिजर्वेटिव मिला लीजिए। आपके पास गाइस कोई भी पुरानी जो
मॉइस्चराइज़र की क्रीम्स की जो बॉक्सेस आते हैं वो आपके पास रखे होंगे, वो एयर टाइट होता है, आप उनमें स्टोर करके इसे रख सकते हैं और रोज़ आपको इसे यूज़ करना है। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि एंटी एजिंग सीरम को लगाने का सही तरीका क्या होता है, कब लगाना चाहिए इसे और किस तरह से लगाना है हमें इसे। तो आइए गाइस, अब हम आपको इसे लगाने का तरीका बताते हैं। इस सीरम को गाइस आपको रोज़ रात में सोने से पहले यूज़ करना है। आप रोज़ रात में सोने से पहले अपना फेस वॉश करती हैं, टोनिंग करती हैं और मॉइस्चर करती हैं, तो आपको इसे रात में ही लगाना है। सीरम का जो सही इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो रात में पड़ता है। अब आपको गाइस इसे लगाना कैसे है, आप अपने उंगलियों में, फिंगर्स में थोड़ा सा आप डिप कर लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह से पूरे फेस पर मसाज करनी है। ख़ास तौर पर गाइस आपको उन पर मसाज करनी है, अपने फेस पर उन जगहों पर आपको मसाज करनी है जहां पर आपको पिंपल्स या मुहासे हैं, वहाँ पर आप इन्हें अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा, बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिएगा आप, एक महीने के अंदर आपके जो मुहासे हैं वो गायब होने लगे। गाइस आप इसे रेगुलर यूज़ कीजिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कम से कम आपको इसे 3 मंथ तक यूज़ करना पड़ेगा, जब जाके आपके पूरे की मतलब पूरे जितने भी फेस पर आपको अगर दाग धब्बे भी हो गए होंगे तो इससे छुटकारा आपको मिल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हो अपने फेस को लेकर के, तो ये जो सिरम मैंने आपको बताया है वो बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव सिरम बनने वाला है। आप एक बार यूज़ ज़रूर करके देखिए इसे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक छोटा सा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये DIY रेमेडी आपको कैसी लगी और कितना बेटर रिजल्ट मिला है आपको ये DIY यूज़ करके। एंड गाइस, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर।